नोटिस में आज ये लाई है ये बात कि जो आप बता रहे हैं कंपार्टमेंट दो और सात वहाँ पे कुछ डैमेज केस आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो कोडल प्रोसीजर रहता है कि हम एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे इसमें टू एसरटेन द फैक्ट्स। जो आपने हमारे साथ फोटोग्राफ्स और जो वीडियो शेयर किए हैं हम उनको वेरीफाई करवाएंगे और उसके बाद जो इंक्वायरी कमेटी हमें रिपोर्ट देगी तो उसको हम क्या उस पर उसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे और उसके बाद जो भी हमारे पास अगर इसमें कोई कोताही होगी किसी की तरफ से तो एक्शन लिया जाएगा। ये तो इंक्वायरी से बात है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, हमें उनकी बात भी हम उनकी बात को भी हम ये बहुत सीरियसली लेंगे। इसमें मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि हमारी टीम जाएगी वहां पे, मुझे खुद भी जाना पड़े मैं खुद भी जाऊंगा एंड हम खुद एसरटेन करेंगे कि ग्राउंड से क्या फैक्ट्स होंगे और जो अकॉर्डिंगली जो फाइंडिंग्स आएंगी उस पर एक्शन जरूर होगा। बाकी जो आप एरिया बता रहे हैं वो एक पॉकेट की तरह एक आइसोलेटेड पॉकेट है जिसके आसपास पूरी हैबिटेशन है, तो अगर वहां पे कोई पिलफरेज होती भी है और वो डिस्टेंस क्योंकि वो हर तरफ से इतना पब्लिक इंटरफेस है कि वो कंज्यूम भी हो जाएगी विदाउट कमिंग टू द नोटिस ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हाँ, लेकिन अगर कहीं पे किसी मुलाजिम की कोताही पाई गई है आई अश्योर यू कि एक्शन होगा।